जी आपसे सारी वीडियो। आज कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ अलग, कुछ नया लेकर आया हूँ। खाली लग रही है, जानता हूँ ये। मैं क्या लेकर आया हूँ? मैं आज लेकर आया हूँ ये। आज ट्राई करेंगे अलबासित का कुछ नया टेस्ट। क्या नया टेस्ट है, क्या चीजें लेकर आया हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग है, कुछ सस्पेंस है। तो पहले करता हूँ प्लेटिंग, ताकि आपको जो इंतजार है वो सब खत्म हो। तो प्लेटिंग करके वापस आते हैं। ओके गाइस, प्लेटिंग वगैरह सब डन हो चुकी है। देख के समझ तो गए होंगे कि ये है क्या। आज मैं ट्राई करने वाला हूँ मंदी, जिसके जो दुबई में या ऐसा कौन शेखों की बहुत पसंदीदा डिश है वो है मंदी, जो दुबई या फिर सऊदी वगैरह में बहुत बहुत ज्यादा खाई जाती है। वहीं से कुछ लोगों ने कराची में कुछ नए रेस्टोरेंट्स खोले थे ताकि ये टेस्ट की जा सके कराची में भी। तो कराची वालों को इंतहाई पसंद आई, तो इसी तरीके से कुछ आज मैंने मंदी टाइप ट्राई करने के लिए सामान वामान सब चीजें इकट्ठा की हैं। तो आज क्या क्या है मेरे पास, यह है क्रिस्पी और स्पाइसी गुला कबाब, स्पाइसी टिक्का, बिहारी बूटी, सम अनियन और ग्रीन चटनी। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए, क्योंकि इसके सामने टाइम वेस्ट करना फजूल है। बातें करूंगा लेकिन पहले थोड़ा सा पीठ पूजा कर लेते हैं, फिर गपशप वगैरह करते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसी चीज से। तो लास्ट बिगिन। थैंक यू अल्लाह फॉर दिस फूड। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। राइस के साथ ये चीजें खाने में कोई अलग ही टेस्ट आता है, अलग ही मजा आता है। बेहतरीन स्पाइसी बना हुआ है भाई। टिक्का तो वो बेहतरीन है, गुलाब आप ट्राई करते हैं। विद दिस फुल स्पाइसेस गुलाब कबाब हो रहा है। टेस्ट लाजवाब है। असल में हम लोग इस तरह से मंदी वगैरह नहीं ट्राई की थी कराची में। ये सबसे पहले सऊदी वगैरह या शेखों ने ट्राई की थी। होता ही था जो आपने उन्हें दिए, तो आपने ज्यादातर वीडियोस वगैरह में देखा होगा कि उनकी एक बड़ी सी ट्रे होती है, जिसके अंदर कई बार तो चावल राइस के साथ पूरा पूरा एक बकरा या फिर पूरी एक मुर्गी रखी हुई होती है। तो हमारे वालों ने कुछ इस तरह से किया था कि पूरी पूरी मुर्गी या फिर सारी अलग अलग आइटम स्टार्ट किए थे, बहुत ही ऑसम टेस्ट देते थे। और जिन जिन रेस्टोरेंट में ये स्टार्ट किए तो लाजवाब चले। एक चीज मैं ये बता दूं जो मैं बताना भूल गया था कि ये चीजें जो मैं लेकर आया हूँ या से लेकर आऊ, लेकिन ये राइस मेरी मॉम होम मेड बनेगा। ठीक है, ये पूरी मंदी वहां से तैयार नहीं हुई है, ये होम मेड राइस है।
और ये टिक्का हो गया, गोला कबाब हो गया, ये बिहारी बोलियों में ये अलग बात है। ये ट्राई करते हैं। ये बताओ इस टाइम डिशेज होती है, खाकर आए दोस्तों वगैरह साथ खा लो तो बहुत मजा आता है, बहुत डिलीशियस होती है, क्योंकि खाते वक्त गपशप भी होती रहती है, बहुत मजा आता है इन चीजों में। तो ये एक ऐसी डिश है, ये हाली आप प्लेट में लेकर या साइड में एक या फिर अलग अलग प्लेटों में लेकर नहीं खा सकते, ये सारे एक साथ ही खाते हैं इसके अंदर, जो बहुत मजा देती है। ये मैं ट्राई करने वाला हूँ, बिहारी बोटी, बोटी आपको दिखाता हूँ। ये दिस इज बिहारी स्पाइसी बिहारी बोटी है। ओके देन बिहारी बोटी का जो मसाला लगा हुआ, दिस इज ऑसम टेस्ट है, और अलग और बहुत अच्छा टेस्ट दे रहा है, और इस चीजों के साथ से बहुत सूटेबल मैच हो रहा है राइस के साथ। हर चीज अलग अलग, कभी इससे कभी उससे, कभी इन चीजों से, कभी गोला कबाब से, सब सब चीज एक ही करके ट्राई करते रहेंगे। ओहो ये भी तो है, ये है हरी चटनी। सारी चटनी चटनी का भी अलग मजा है यार। राइस और अनियन, इन दोनों का साथ बहुत पुराना है और बहुत अच्छा है यार। राइस और अनियन का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, चाहे वो दाल चावल हो, चाहे वो कोई सी डिश हो, बिरयानी हो, चाहे तो ये मंदी हो, बहुत आतंक टेस्ट आता है यार इसमें। एक काम करते हैं, थोड़ा एक कॉम्बो बनाते हैं, चेक करते हैं। दिस इज बिहारी रोटी और दिस इज कोला कबाब, ये मैं थोड़ा सा और ले लिया। ओके देन चटनी थोड़ी सी, टिक्का भी तोड़ लेते हैं। ये आ गया वन टिक्के का पीस, और ये जस्ट लाइक अ पिक ऑफ बाइट, सब कॉम्बो बाइट हो गई है, बिना बाइट नहीं, ये कॉम्बो बाइट है, जिसे होता है थ्री इन वन। एक बाइट के अंदर सब कुछ,
कराची वालों को पसंद क्यों आई? सर हम सर इधर कराची का मैं आप टिक्का भी अलग खा लेते हो, गोला कबाब भी अलग, ये सब चीज अलग अलग होती है। टिक्का अलग मिल जाएंगे आपको, गोला कबाब अलग मिल जाएंगे आपको, चाहे बुढ़िया सब चीज अलग अलग मिल जाएंगे आपको, लेकिन इस तरह का कॉम्बो मिला के ना पहले नहीं बनता था। तो ये जब ये राइस के साथ आने लगे, जो रेस्टोरेंट वालों ने राइस के साथ देना शुरू किया लाइक मंदी, तो लोगों को बहुत पसंद आया, बहुत इंकरेज हुए लोग, लाइक अ न्यू डिश फ्रॉम कराची वालों के लिए। और कराची वाले तो ढूंढते रहते हैं कोई ऐसी नई कुछ इंटरेस्टिंग डिशेस हैं, इसलिए मैं भी कुछ अलग लेकर आप लोग के लिए लेकर आया हूँ, ताकि मैं खा के टेस्ट करके आपको बताऊं कि क्या चीज क्या ये मदद देती है या नहीं। भाई आनंद दे रही है, आनंद। चटनी डालते हैं अब, चटनी चटनी से अलग टेस्ट आ रहा है यार, चटनी दे दीजिए चटनी। ये मैं आपको लिटरली सीरियस बताऊं, दिस इज हेल्दी फॉर यू एवरीवन, क्योंकि ये टिक्का देखें बिल्कुल बहुत कम ऑयल में बना हुआ है, ये भी बहुत कम ऑयल में लग रहा है। देखो हर चीज होती है देखने से पता चलती है, ये आपको ऑयली वाला, मैं खुद ऑयली से थोड़ा सा दूर रहता हूँ कि ऑयली वाली चीजें नहीं खाता, लेकिन ये आपको ये फुल है, जैसे जिंगर्स वगैरह हो गई, मैं बताऊँ आप लोग को ये चीजें बहुत हेल्दी है, ट्राई करना। हम लोग का मसला ये आ गया, हम लोग जिंगर्स वगैरह पे ज्यादातर ध्यान देने लग गए कि हम लोग भाई आप क्या खाएं क्या खाएं, जिंगर मंगवा देते हैं। अब ये देखो राइस भी है जो बेहतरीन हेल्दी है, और चिकन वगैरह के पीसेस वगैरह ये सब हेल्दी है, तो आपका जो स्टमक है वो भी हेल्दी रहेगा। ट्राई क्या करो यार, जिंगर्स वगैरह में क्या रखा हुआ है, कुछ नया हो कुछ अलग हो। मैं लिटरली बताऊं इनको बिरयानी से ज्यादा मजा आ रहा है, बिरयानी हो गया जिंगर हो गया, इन चीजों से ज्यादा मजा आ रहा बैठे बैठे से मूड हो गया ना, ज्यादा कुछ अलग ट्राई करते हैं, क्या वही किस चीजें खा रहे हो, बिरयानी बिरयानी।
आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग लेकर, कुछ नया लेकर, तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।